How to flash the MIUI 10 fast boot ROM on Poco F1? Hi friends, Siddharth here from technobus.net. जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि दो दिन पहले हमने अपने फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक कर लिया था और उसके अंदर हमने जो है MIUI 10 का जो रिकवरी रोम था उसको TWRP रिकवरी के थ्रू इंस्टॉल भी कर लिया था और उसके बाद हम एंड्रॉयड पाई को भी अपने फ़ोन में रन कर रहे हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये एंड्रॉयड पाई है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपने फ़ोन में MIUI 10 का जो रोम हो उसको फ्लैश करूँ, बट आज मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आप फास्ट बूट रोम जो होता है उसको अपने फ़ोन में फ्लैश कर सकते हैं। मोस्टली क्या होता है, कई बार लोग जो है TWRP रिकवरी को इंस्टॉल करना प्रेफर नहीं करते कि उनको पसंद नहीं होता कि TWRP कस्टम रिकवरी को इंस्टॉल करें और ज़्यादा चीज़ों को छेड़खानी नहीं करना चाहते अपने फ़ोन के साथ। तो फास्ट बूट रोम को कैसे फ्लैश करना होता है, फास्ट बूट रोम में आपको TWRP रिकवरी इंस्टॉल नहीं करनी पड़ती है, सिर्फ आपको अपने फ़ोन का बूट लोडर जो है अनलॉक चाहिए होता है। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज से जो है काफ़ी सारे लोग अपने फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक करना स्टार्ट कर चुके हैं, यानी कि ईजी हो गया है। पहले जो 720 आवर्स का या 1400 आवर्स का जो एरर आ रहा था वो हट गया है, अब वो 3 दिन में अपना बूट लोडर अनलॉक कर सकते हैं। तो उसके बाद जो है आप इस MIUI 10 के रोम को ईजिली अपने फ़ोन में फ्लैश कर सकते हैं फास्ट बूट रोम से। तो उसके लिए क्या करना है वो हम देखते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। फास्ट बूट रोम को फ्लैश करने के लिए आपको अपने फ़ोन को फास्ट बूट मोड पे लेके आना है। तो पहले हम फ़ोन को फास्ट बूट मोड पे ले आएंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर देंगे। आपको ऐसे स्विच ऑफ का ऐसा ऑप्शन नहीं दिखाया क्योंकि मैं एंड्रॉइड पाई रन कर रहा हूँ अपने फ़ोन के ऊपर, बट मैं MIUI 10 के ऊपर जाना चाहता हूँ फास्ट बूट रोम पे। हम किसी कस्टम रिकवरी का यूज़ नहीं करेंगे, हम जो ऑफिशियल मेथड होता है उसको यूज़ करेंगे। तो फास्ट बूट फोन स्विच ऑफ हो जाता है। फास्ट बूट पे जाने के लिए वॉल्यूम डाउन और पावर के बटन को थोड़ी देर होल्ड करके रखेंगे और जैसे फ़ोन वाइब्रेट होता है आपको फ़ोन छोड़ देना है। और आपके फ़ोन के ऊपर कुछ ऐसी स्क्रीन होगी जिसके ऊपर एक एंड्रॉइड का लोगो बना होगा और साथ में लिखा होगा फास्ट बूट। अब आपको जो अपनी USB टाइप सी केबल है उसको लेना है, अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट कर देना है और साथ ही जो आप लैपटॉप या कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं उसके साथ उसको कनेक्ट कर देंगे। फ़ोन को हम छोड़ देंगे, फ़ोन कनेक्ट है। अब चलते हैं कंप्यूटर पे। कंप्यूटर पे आपको MIUI 10 की जो फास्ट बूट रोम की फाइल है वो ये चाहिए, वो ये फाइल है। इसको आपने अनजिप कर लेना है। अनजिप करने के बाद कुछ ऐसा फोल्डर आपको दिखेगा और साथ ही चाहिए आपको Xiaomi का जो MI फ्लैश टूल है उसका एप्लीकेशन। एप्लीकेशन को आप खोल लेंगे, इस फोल्डर के अंदर जाएंगे, इस फोल्डर को फिर से खोलेंगे, आपको कुछ ऐसा फोल्डर दिखेगा, इमेजेस, फ्लैश और बैट फाइल, SH, स्टोरेज वगैरह, ऐसे फाइलें। आपको इस इमेजेस फोल्डर के अंदर नहीं जाना है, बाहर ही रहना है उसकी। तो आपको इसी फोल्डर पर रहना है। तो आप क्या है इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसका जो एड्रेस बार है इसको कॉपी कर लेंगे। यहाँ से आपने कॉपी कर लिया, आपका काम यहाँ पर ख़त्म हो गया। ये मेथड तभी काम करेगा जब आपके फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक्ड है। अगर लॉक्ड है तो ये काम नहीं करेगा। फास्ट बूट रोम जो है आपके इस पर विदाउट अनलॉकिंग के नहीं काम करते हैं। तो और क्या करना है आपको, पहले यहाँ पर रिफ्रेश पे सिलेक्ट करना है, आपका फ़ोन कनेक्टेड है, रिफ्रेश पे सिलेक्ट किया। अब यहाँ पर जो एड्रेस बार है इस पर आप जाके जो अपने URL पेस्ट कॉपी किया था वहाँ से उसको आप पेस्ट कर देंगे। अब पेस्ट कर चुके हैं, अब नीचे तीन ऑप्शन है, ये तीनों आपको ध्यान से सुननी है। क्लीन ऑल एंड लॉक, मतलब कि आपका बूट लोडर जो अनलॉक्ड है वो फिर से लॉक हो जाएगा, सारा डाटा आपका डिलीट हो जाएगा। सेव यूजर डाटा, आप अपना डाटा सेव करना चाहते हैं जो इंटरनल स्टोरेज में फाइल है तो आपको ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है। क्लीन ऑन, मतलब क्लीन ऑल, सारा डाटा जो है वाइप हो जाएगा, आपके सारे एप्लीकेशन, सारी इंटरनल मेमोरी वाइप हो जाएगी और आपका फ़ोन का बूट लोडर जो है अनलॉक ही रहेगा। तो मैं फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक ही रखूंगा और मैं चाहता हूं मेरा सारा डाटा वाइप हो जाए तो मैं क्लीन ऑल कर लूंगा। अगर आप क्लीन ऑल एंड लॉक कर देते हैं तो आपका फोन का बूट लोडर फिर लॉक हो जाएगा। हमने क्लीन ऑल सेलेक्ट कर लिया एंड फ्लैश, दैट्स इट। अब देखिए जो फ्लैशिंग प्रोसेस जो है यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। अगर आपको यहाँ पे कोई भी एरर आता है या विद इन 5 सेकंड के अंदर जो है ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो आपको एक फाइल होती है ADBX, मतलब ADB की इंस्टॉलर फाइल होती है जो आपके कंप्यूटर में ADB और फास्टबूट ड्राइवर को सेटअप करती है, उसको आपको इंस्टॉल करना है। उसके तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि आपके फ़ोन में एक तो ADB ड्राइवर सेटअप होनी चाहिए, सेकंड उसमें Xiaomi फ्लैश जो टूल होता है वो सेटअप होना चाहिए और थर्ड आपको फास्टबूट की ये वाली जिप फाइल चाहिए जिसको आपने अनजिप करके ऐसा कुछ फोल्डर देखने को मिलता है। तो अभी आप देख पा रहे हैं ये मोस्टली कंप्लीट हो चुका है, थोड़ी देर में कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा आपका फ़ोन जो है रीबूट करेगा और उसके बाद जो है आपको MIUI 10 की सेटअप स्क्रीन आ जाएगी। मैं MIUI 10 के ऊपर पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ कि MIUI 10 कैसा लुक दे रहा है, कैसे उसके फील आ रहा है पोको F1 के अंदर, तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा जहां से आपको चेक कर सकते हैं कि MIUI 10 में क्या क्या फीचर्स काम कर रहे हैं और क्या क्या उसके अंदर आपको इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। देखिए कंप्यूटर पर आप देख पा रहे हैं 61 सेकंड समथिंग दिखा रहा है, कुछ नॉर्मल हो चुका है, अभी थोड़ी देर में फिनिश हो जाएगा। तो ये देखिए अब आप देख सकते हैं कंप्यूटर के ऊपर मैसेज आ गया है फ्लैश डन और रिजल्ट सक्सेस और हमारा फ़ोन जो है ऑलरेडी बूट हो गया। देख पा रहे होंगे आप पोको का आप लोगों हमारी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। अब आप जो है अपने फ़ोन को अपने USB टाइप सी केबल से डिसकनेक्ट कर सकते हैं, हमारा डेस्कटॉप पे काम खत्म हो गया है। अब आप वापस अपने फ़ोन पे आ सकते हैं। अब फ़ोन पे आपको थोड़ी देर में सेटअप होगी सारी चीज़ें और उसके बाद आपको MIUI 10 की जो सेटअप स्क्रीन है वो आपके सामने आ जाएगी। आपको वहाँ जाकर सारी की सारी चीज़ें अपने सेटअप करनी पड़ेंगी, जैसे अपने ईमेल ID, वाईफाई वगैरह, सिम्स वगैरह को आप सेटअप करेंगे और उसके बाद आप अपने फ़ोन के अंदर
हम MyU10 को ईजिली यूज़ कर पाएंगे। तो इस मेथड से आप कभी भी अपने फ़ोन के अंदर फास्ट बूट रोम को कभी भी ईजिली फ्लैश कर सकते हैं। सिर्फ आपको MIU का जो Xiaomi का जो फ्लैश टूल होता है वो चाहिए होता है, और लेटेस्ट फास्ट बूट रोम की जो जिप फाइल होती है वो चाहिए होती है। ये मेथड तभी काम करेगा जब आपके फ़ोन का बूट लोडर जो है अनलॉक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।